नमस्कार, प्राइम बीके न्यूज में आपका स्वागत है। इस खबर अयोध्या से। अयोध्या के सिविल लाइन स्थित एक स्थानीय होटल में ईंट निर्माता समिति अयोध्या की एक आवश्यक बैठक की गई। इस बैठक में मुख्य रूप से चर्चा जिंक जैक पर की गई है। जिंक जैक पद्धति जो की ईंट भट्टा चलाने हैं, 22 फरवरी 2024 तक ही लोगों पर इस सरकार से मांग कर चुके हैं कि इसको आगे बढ़ाया जाए ताकि ईंट भट्टा करने वाले जिंक जैक प्रणाली को शामिल हो सके। 22 सितंबर 2023 को ईट जनपद ईट निर्माता समिति अयोध्या की एक आवश्यक बैठक हुई शानेवद होटल में। इसमें हम लोग के मुख्य एजेंडा थे, जो हम लोग की जिग जैक पद्धति जो ईट भट्टे चलाने हैं वो दिनांक 22 फरवरी 2024 तक ही है। हम लोग सरकार से मांग कर चुके हैं कि इसको जो है आगे बढ़ाया जाए, जिससे कि सब ईट भट्टे वाले जिग जैक प्रणाली में जा सकें। इससे हमको आगत करवाना था और विनियमन शुल्क जमा करने, बहुत नाना प्रकार की समस्याएं थी जिसको हम लोग ने सदन में रखी। इसमें कौन कौन लोग शामिल हुए? इसमें उत्तर प्रदेश निर्माता समिति के अध्यक्ष आदरणीय श्री अतुल कुमार सिंह जी, जनपद अध्यक्ष मनीराम वर्मा जी, कोषाध्यक्ष नारायण दास जी, मुन्ना सिंह जी, आफ्ताब भाई और रूमी भाई, इन बहुत भट्टे वाले थे। पीयूष केवलानी, योगेश केवलानी, काली जी, बहुत हमारा जो जिग जैक भट्टों में जो कन्वर्ट होना है ईट भट्टे, ये पूरा यहाँ यूपी का नहीं, पूरे इंडिया भर में जितने भी भट्टे हैं उसमें जिग जैक में कन्वर्ट करने हैं हम लोग को, जो 24 फरवरी 2024 तक की हमारे पास सीमा। मैं सर संजय सावलानी, उत्तर प्रदेश ईट निर्माता समिति के सहमंत्री।